देखो जी, त्रिकोणमिति का जो है जितना भी फॉर्मूला आता है 10th क्लास में, जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला जो है हम करवा देंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी से समझ में सबको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 10वां में जितना भी फॉर्मूला है एक एक फॉर्मूला जो है हम बहुत ही बढ़िया से करवा देंगे, है ना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का सूत्र है फॉर्मूला ऑफ त्रिकोणमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब जो है आज हम करवा देंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है हमेशा जो पढ़ा जाता है एक समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में हमेशा त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है। इसको मान लेते हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज सबको पता होना चाहिए कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समझ रहे। तो बताओ इसको अगर मान ले थीटा, मान ले क्या मान ले इसको रे, अगर थीटा इसको मान ले तो थीटा के सामने हमेशा जो होता है क्या होता है रे, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। 90 के सामने जो 90 वाला जो होता है उसके सामने हमेशा कर्ण होता है, और थीटा अगर इसके थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अब और जो बचा उसको बोलते हैं आधार, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, त्रिभुज में तीन कोण होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बताओ 90 के सामने तो कर्ण हो गया और थीटा के सामने लंब हो गया, और जो बचा उसको बोलते हैं आधार। अगर यदि जो थीटा यहाँ पर होता तो एक के सामने जो यहाँ पर ये लंब होता और ये क्या होता, आधार होता। लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो रहेगा 90 के सामने वही कर्ण होगा। लेकिन अगर थीटा अगर यहाँ दे दिया जाए तो थीटा के सामने ये कर्ण हो जाएगा और जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। बताओ आधार को हमेशा बीस कहते हैं, क्योंकि जो है आधार को अंग्रेजी में जो है बेस होता है, क्या होता है अंग्रेजी में, क्या होता है आधार को, बेस होता है। और कर्ण को अंग्रेजी में जो है एच से सूचित करते हैं, क्यों, क्योंकि कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। और लंब को जो है इसको हम पी से सूचित करते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अंग्रेजी में जो है इसका अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बोलेगा, अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ जी त्रिकोणमिति में कितना जो है निष्पत्तियां होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं जी, यहां लिखा देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक और कॉट। ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, ये त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का जो है शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसको फुल अगर देखना चाहते हैं इसका पूरा नाम क्या है, तो एनसीईआरटी बुक में जो है पहले ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट होता है। अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, अगर कोई पूछ दिया कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितने होते हैं, तो क्या होते हैं, 6। ये क्या होते हैं, कहते हैं किसको है, तो भुजाओं के अनुपात को, क्या बोलते हैं, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। वो भी कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला की अगर बात करें सबसे पहले, तो इसका पहले साइन का फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा की बात करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा है ना रे, थीटा है ना रे, इसका होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कितना होता है रे, कर्ण होता है। इसको पी, इसको हम क्या बताओ, पी बटा एच भी बोल सकते हैं, काहे कि लंब पी होता है और कर्ण एच होता है। इसी का जस्ट उल्टा जो है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, COSEC, कोसेक थीटा। तो बस इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका हो जाएगा एच बटा, बताओ एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसी के जस्ट उल्टा है। तो ये दोनों समझ में आया, एक क्वेश्चन एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, ठीक है। दो फॉर्मूला हमको याद हो गया, ठीक है। और देखते हैं तीसरा फॉर्मूला की बात करें, तो बताओ
तीसरा फॉर्मूला की बात करें तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार को बी से करते हैं और कर्ण को एच से, ऐसे इसको यहां पर इसलिए करते हैं बी बटा एच, इसका ये फॉर्मूला होगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है क्या, सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दो बस है, कर्ण को जो है नीचे है तो इसको ऊपर लिख दो और ऊपर है आधार तो इसको नीचे आधार कर दो, आधार इसको एच बटा बी बोलेंगे। ये फॉर्मूला हो गया इसका, जस्ट इसका उल्टा करना है, क्या कोस का उल्टा होता है सेक, ये भी ध्यान में बात रखना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक, बस ये फॉर्मूला याद रखना है ठीक है। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला है टेन थीटा, टेन थीटा बड़ा होता है आधार बटा लंब बटा आधार। बताओ पी बटा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो बताओ इसका जस्ट आधार को ऊपर भेजेंगे, आधार को ऊपर भेजेंगे और लंब को नीचे भेजेंगे, तो बताओ इसका हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा। तो यस आराम से समझ में आ गया कि टेन थीटा बड़ा होता है पी बटे बी, तो इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका हो जाएगा बी बटा पी। ये छह फॉर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है एग्जाम में, है ना, हिसाब बनाने में, है ना, क्वेश्चन बनाने में बहुत ही क्या करेगा, कामगार साबित होगा ठीक है। बस आगे फॉर्मूला हम देखते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है यहां से लिख देते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इन टू सी कोसेक थीटा बराबर ए, साइन थीटा इन टू कोसेक थीटा बराबर होता है ए। इसको अगर हम प्रूफ करके अगर देखे बात करें, प्रूफ करने की बात करें, है ना, तो देखो साइन थीटा होता है पी बटा एच आगुना, कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा होता है एच बटा कितना आ जाएगा पी हो जाएगा। ये पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, देखो एक आ गया कि नहीं आ गया, तो बहुत ही आसान है बन गया ना। उसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इन टू सेक थीटा बराबर ए, इसको भी प्रूव कर सकते हैं कैसे आया जी, है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, इसका जस्ट उल्टा होता है यहाँ पर इनटू है तो गुना का जीरो, उल्टा होता है एच बटा बी, तो बी से बी खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, तो देखो एक आ गया कि नहीं, इसका मतलब है कि फॉर्मूला सही है। और तीसरा देखो, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इन टू कॉट थीटा बराबर होता है एक, इसको भी बताओ पी बटा बी होता है, ज्यादा कर्ण लंब आधार जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है पी बटा एच, इस ऐसे याद रखना है पी बी एच में याद रखना है ठीक है, पी बटा बी, इसी का जस्ट उल्टा होता है तो बी बटा पी, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया तो बचेगा एक, इसका मतलब है ये मेरा फॉर्मूला कुछ है सही है। तो ये तीन फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखना है हमेशा ठीक है। आज जो है जितना फॉर्मूला त्रिकोणमिति का है सब आज करवा देंगे ठीक है, देखो इसको मिटा देते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। इसको अगर हम प्रूफ करके देखें तो देखो यहाँ पर देखते हैं प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर जाओ साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे, और कोस थीटा बराबर होता है पी बटा एच, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, हमको एक लाएंगे, अगर इतना को हल करके अगर एक लाएंगे इसका मतलब है कि फॉर्मूला कुछ है सही है ठीक है, बचे है सही है। बताओ इतनों के बाद कितना होगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा बताओ, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, देखो तुमको नहीं लिखाए होंगे, देख लो थोड़ा सा, एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और बी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लगेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, कितना होगा एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर है कटेगा तो कितना हो जाएगा एक, इसका मतलब फॉर्मूला मेरा कुछ है सही है, फॉर्मूला क्या है सही है। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर याद किए, उसके बाद जस्ट दूसरा फॉर्मूला अगर बताओ बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो बताओ बराबर में तो एक है ही है, अब बताओ इधर प्लस में कॉस थीटा उधर जाएगा कुछ जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला इसी में अगर बोलेगा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बराबर में तो एक है तो एक लिख दिए, इधर प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा कुछ में माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। तो ये देखो दो फॉर्मूला यहाँ से, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये दोनों फॉर्मूला अपने आप क्या हो जाएगा बन जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको अगले फॉर्मूला बताते हैं, यहाँ तक सबको हो जाएगा, ठीक है। और अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला है बताओ क्या फॉर्मूला अगला, और क्या बताओ क्या लिखा दें, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, ये दिमाग में रखने बात, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये कैसे आता है। देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं क्या बताओ एच बटा बी, एच बटा बी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हम ले सकते हैं, माइनस है माइनस दे दिया, टेन बराबर होता है पी बटा बी होता है, स्क्वायर है दोनों स्क्वायर दे देंगे, लघुत्तम दोनों का आएगा कितना आएगा बताओ, लघुत्तम दोनों का आया बी स्क्वायर, ऊपर बचेगा एच स्क्वायर, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर माइनस दे करके, तो बताओ यहाँ बताया था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखो यहाँ पर है कितना होता है बी स्क्वायर होता है, कितना होता है बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर दे दो नीचे भी बी स्क्वायर हो जाएगा कट जाएगा कितना बचेगा एक, इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मूला क्या है सही है। अगर एक नहीं आता, अगर एक नहीं आता तो फॉर्मूला गलत हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें और फॉर्मूला बनेगा, बताओ आपको अगर पूछ दिया कि बताओ जी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या बताओगे बराबर में तो एक है ही है, आइए देखो प्लस में माइनस में ना रहे उधर जाएगा कुछ में प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बताओ बोलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ना रहे तो क्या करेंगे बताओ, इसको जस्ट इधर लाएंगे तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में अब बराबर इधर को जीरो है टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम भी सकते हैं इसलिए जो है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर बराबर कितना रहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तुम्हारा हो जाएगा, यानी एक फॉर्मूला यहाँ पर हो गया और दूसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला रहे एक पहला दूसरा एक बजे रहे तीसरा फॉर्मूला, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, प्रूफ करके दिखा दिए, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला है सी ओ एस ई सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो इसको भी प्रूफ करके देखते हैं कि वास्तविक में भाई ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो बताओ इसका क्या होता है एच बटा पी होता है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे माइनस इसका कितना होता है बी बटा पी होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, लघुत्तम दोनों का होगा पी स्क्वायर, ऊपर में बचा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था क्या होता है पी स्क्वायर होता है, क्या होता है पी स्क्वायर होता है, नीचे भी कितना है पी स्क्वायर कटेगा कितना बचेगा एक बचेगा, इसका मतलब ये क्या है मेरा फॉर्मूला जो है
बिल्कुल क्या है सही है, बिल्कुल क्या है सही है। अब जब क्वेश्चन इसमें अच्छी बनाते हैं कितना हो जाएगा बता दो। पहला दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, कोई क्वेश्चन पूछेगा बता जी कोशेक कोशेक स्क्वायर कितना होगा, तो बराबर में तो एक है एक दे देंगे, ये माइनस में हो जाएगा कुछ हो जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर पूछेगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो क्या बताएंगे, ये देखो इसको इधर ले आते हैं, बताओ कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो जाएगा माइनस वन और बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो बताओ इसलिए जो है इसको इधर लिख देंगे इसको इधर लिख देंगे, बताओ कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सी ओ एस ई सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कहने का मतलब है एक दो तीन अगर एक याद करो और दो गो हमको फ्री में जो है मिल रहा है फॉर्मूला मिल रहा है ना रे, तो आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है। और आगे जो है बताते हैं, ये कंप्लीट हो गया बना देते हैं, बताओ ये तो हो गया, उसके बाद आगे जो है एक फॉर्मूला और होता है, देखो यहाँ बताते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अबटा कॉस थीटा, अगर यहाँ पर अगर स्क्वायर अगर हो तो बस दोनों में क्या करना है स्क्वायर लगा देना है, क्या लगा देना है बस कंप्लीट हो गया, ये दो फॉर्मूला जो है कंप्लीट पहला दूसरा। देखो अगर टेन थीटा बराबर रहेगा अगर टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा, अगर इसका बजट स्क्वायर रहेगा तो इस पर भी क्या करना है स्क्वायर लगा देना है, बस इसका उल्टा तीसरा में देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है तो जस्ट इसको उलट देना है, टेन का उल्टा कोट होता है ना रे, तो कोस को ऊपर लिख देंगे और साइन को नीचे लिख देंगे, हो गया कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, अगर इस पर भी अगर स्क्वायर अगर रहे तो क्या कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा अबटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आराम से कंप्लीट हो गया ये फॉर्मूला जो है ना रे, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा इधर भी स्क्वायर नहीं चढ़ाना है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर चढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। उसके बाद बढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे देखो आगे का फॉर्मूला क्या है ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये पढ़ा है कभी है? देखो साइन आज जो है एक ही वीडियो में जो है सारा फॉर्मूला को ही क्लियर करवा देंगे, तुमको फिर कहीं से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आराम से हो जाएगा। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा होता है, क्या होता है बस दूसरा फॉर्मूला है, अगर कोस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा होता है। तीसरा फॉर्मूला बात करें टेन टेन थीटा, तो बताओ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। और चौथा फॉर्मूला बात करें कोट थीटा का कोट कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करें तो इसका होता है टेन थीटा। और पांचवा फॉर्मूला अगर बात करें सेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो होता है सी ओ एस इस कोसेक थीटा, और कोसेक सी ओ एस इस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करें इसका होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूला भी बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर थीटा नहीं होगा 90 माइनस थीटा होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था थीटा नहीं होना चाहिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है। यहाँ तक छह फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, उसके बाद आगे बताते हैं इसको लिख लिया इसको भी बढ़ाते हैं, ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोण की बात करें, यहाँ थीटा कर देते हैं, यहाँ जीरो डिग्री, यहाँ तीस डिग्री, और यहाँ पैतालीस, और यहाँ साठ, और यहाँ कर देते हैं नब्बे डिग्री। ज्यादातर जो है नब्बे डिग्री तक ही आता है, 120 भी आता है तो उसको भी बता देंगे साइन को उसका मान कितना होता है। ठीक है, बताओ यहाँ हो जाएगा साइन कॉस 10। अगर ये तीन को आद है तो तीन को जो इसका विलोम जो है वो अपने खुद आद हो जाएगा। 10 का उल्टा होता है कॉट, और कोस का होता है सेक, और साइन का होता है कोसेक। आराम से याद कर लेंगे। सबसे पहले सिंपल सी है, साइन जीरो का मान जीरो, और साइन तीस का मान एक बटा टू होता है, साइन पैंतालीस का वैल्यू वन बटा रूट टू होता है, और साइन साठ का वैल्यू रूट थ्री बटा टू होता है, और नब्बे का वैल्यू एक होता है। अगर इसको अगर आज कर लिया, एक वाला आज कर लिया, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन तीस का वैल्यू एक बटा टू होता है, साइन पैंतालीस का वैल्यू एक बटा टू होता है, साइन साठ का वैल्यू रूट थ्री बटा टू होता है, साइन नब्बे का वैल्यू एक होता है। अगर ये वाला आद है तो सब अपने आप आद हो जाएगा। कैसे हम बताते हैं, देखो ये एक जो है यहां लिख दो, और जीरो को यहां लिख दो, कॉस में बात कर रहे हैं। ये वाला इसको यहां लिख दो रूट थ्री बटा टू, और एक बटा टू इसको यहां लिख लो, इसको जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेन की बात करें तो हम एक फॉर्मूला बताए थे कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी इसका इतना भागा देना है, तो जीरो में भागा देंगे एक से तो जीरो होगा, इसमें भागा देंगे तो बताइए दोनों दो दो कट जाएगा तो बचेगा एक बटा रूट थ्री बचेगा, इसमें रूट टू कट जाएगा तो एक बटा एक यानी एक बचेगा, इसमें दो दो कट जाएगा तो रूट थ्री बटा एक यानी रूट थ्री बचेगा, और एक में अगर जीरो से भागा देते हैं तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है? अपरिभाषित आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक अगर कंप्लीट है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? इसका उल्टा होता है। देखो कैसे होता है, देखो हम बताते हैं। सबसे पहले ये दिमाग रखना है कि एक का उल्टा एक होता है, और जीरो का उल्टा जो है इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट का उल्टा जीरो होता है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुमको। देखो कैसे बताते हैं, टेन का उल्टा कोट होता है, तो बताओ जीरो का उल्टा कितना होता है? इन्फिनाइट। अभी बताए थे जीरो का उल्टा क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। इसको उलट देंगे तो बताओ रूट थ्री ऊपर चला जाएगा ना रे, एक उल्टा देखे होता है, इसको उल्टेंगे तो बताओ एक बटा रूट थ्री हो जाएगा। इसको बताओ इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है? जीरो होता है। ये दिमाग में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेक दो, किसका उल्टा बताओ? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बताओ इसको हम देखेंगे यहाँ से, एक का उल्टा एक अभी बताए थे, एक का उल्टा एक होता है, इसको उल्टेंगे बताओ टू बटा रूट थ्री हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो रूट टू ऊपर चला जाएगा ना रे, रूट टू बटा एक तो रूट टू ना होगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दो। जीरो का उल्टा कितना होता है? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट लिख दिए। उसके बाद कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ पर क्या है? जीरो ना रे, तो जीरो का उल्टा कितना होता है? इन्फिनाइट। इसका उल्टा कितना होता है? दो। इसका उल्टा कितना होता है? तो एक बटा रूट टू है ना, इसको उल्टा करेंगे तो रूट टू आएगा। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो टू बटा रूट थ्री आएगा। इसका उल्टा एक का उल्टा जानवे करता है कितना होता है? एक होता है। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक का उल्टा एक होता है, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है? जीरो होता है। बस इसका उल्टा है, बस इसको याद कर लो। इसको ये वाला यहाँ उठा दो, ये वाला यहाँ उठा दो, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, जैसे है वैसे लिख दो। इसका तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी बटा में होता है, इसको भागा दे देना है। तो जीरो में भागा देंगे इतने आएगा, नहीं जीरो आ जाएगा,
और इतना आएगा दूसरे दो कट जाएगा तो एक बटा रूट टू आएगा, और रूट टू कटेगा तो एक बटा एक एक आएगा, दो कटेगा तो रूट थ्री ऊपर में रूट थ्री आएगा, और एक में भागा जाता है जीरो से क्या होता है इंफिनिट आता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर हो गया तो जस्ट इसका उल्टा होता है, एक उल्टा एक, जीरो को उल्टा इंफिनिट, इंफिनिट को उल्टा जीरो होता है। तो बताओ टेंथ भाई यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो अच्छा रहेगा, टेंथ तो हो गया, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो जीरो को उल्टा इंफिनिट इसको उलट देंगे, जस्ट सबको क्या करेंगे उलट दे, उलटते जाएंगे, टेन में कॉट उल्टेंगे, अब कोस वाला में सेक होगा और साइन वाला में कुछ होगा कोसेक उल्टा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि साइन 120 का वैल्यू देखो लिखा देते थे यहाँ पर करवा देते हैं, ठीक है कोई मिटा देते हो गया होगा मिटा देते हैं, बताते हैं साइन 120 का वैल्यू कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में, तो होता है रूट थ्री बटा टू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रूट टू बटा रूट थ्री बटा टू हो जाएगा। उसके बाद कॉस 120 का भी वैल्यू होता है माइनस एक बटा टू, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस एक बटा टू होता है। अगर बात करें साइन की बात करें तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है जीरो होता है, कितना होता है जीरो होता है, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू अगर बात करें तो बताओ कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ माइनस एक होता है, कितना होता है माइनस एक। इतना फॉर्मूला आ जाना चाहिए, एक फॉर्मूला और होता है, एक क्वेश्चन है कितना साइन टू थीटा बराबर इसका होता है टू साइन थीटा आई टू कॉस थीटा, बस इतना फॉर्मूला अगर याद है, इतना फॉर्मूला अगर याद है ना रे तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिकोणमिति में एक एक क्वेश्चन एक एक फॉर्मूला हम करवा दिए हैं है ना, अगर इतना याद है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, त्रिकोणमिति में एक एक क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, धन्यवाद।